चीज़ें जो हैं, चाहे वो भारत विरोधी भारत में रहने वाले हों, भारत के गद्दार हों, या वो सेकुलर गुंडे हों, ये सारे लोग मिल करके हिंदू राष्ट्र तो छोड़िए, ये भारत को भारत नहीं रहने देना चाहते हैं। ये भारत का पूरी तरह से या तो इस्लामीकरण करना चाहते हैं या तो धर्मांतरित करा देना चाहते हैं, ताकि वो गाय को, गंगा को ये ख़त्म कर देना चाहते हैं, इसलिए कि सनातन संस्कृति पूरी तरह से समाप्त हो जाए। लेकिन इनके करने से कुछ नहीं होने वाला है। आज पूरे दुनिया का हिंदू समाज, सनातन समाज जाग चुका है, और आप देख लीजिए पूरे दुनिया में ईसाई मुल्क है, पूरी दुनिया में इस्लामिक मुल्क है। हमारे हिंदुस्तान से ही कट के दो इस्लामिक मुल्क बने। पहले तो हमारा हिंदू राष्ट्र ही था, हिंदू राजा ही होते थे जब इस्लाम नहीं आया था, तो कैसे दो इस्लामिक मुल्क बन गए, बांग्लादेश और पाकिस्तान इस्लामिक मुल्क बन गए। तब तो किसी के मुंह में छेद नहीं था, जबान नहीं थी कि यह इस्लामिक मुल्क नहीं बनेगा, सेकुलर मुल्क बन जाएगा। जिन्ना को क्यों नहीं समझाया लोगों ने, नेहरू ने जिन्ना को क्यों नहीं समझाया, नेहरू के तो दोस्त थे जिन्ना, जिन्ना को क्यों नहीं समझाया कि इसको इस्लामिक मुल्क बनाओ, और इसको अगर ये इस्लामिक मुल्क बन गया और बहुत सारे लोग ईसाई मुल्क हैं तो ये हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनेगा। इसलिए भारत को हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए और हिंदू राष्ट्र बनना ही चाहिए, और आज नहीं तो कल हम और आप सब देखेंगे कि हिंदू राष्ट्र ये बनेगा, और पक्के तौर पर हिंदू राष्ट्र बनेगा। क्योंकि जब हिंदू राष्ट्र बनेगा उसमें पशु पक्षी से लेकर के जानवर तक, इंसान तक, सबके सुरक्षा की गारंटी होगी। क्यों? क्योंकि हिंदू राष्ट्र सर्वे भवन्ति सुखिनः के सिद्धांत पर आधारित है। हिंदू धर्म, सनातन धर्म सृष्टि से संबंध की वकालत करता है। यहाँ पर भगवान श्री राम ने जटायु को भी अपना पिता का दर्जा दिया, भगवान श्री राम ने सबरी को अपनी माँ मान करके उनके जूठे बेर खाए, यहाँ पर पशु पक्षियों को, यहाँ तक कि चींटी तक को भी आटा डालने की यहाँ पर सिखाया जाता है, अन्नदान महादान कहा जाता है। जिस घर में चार रोटी बनती है, एक रोटी गाय के लिए निकाल दी जाती हो, एक रोटी कुत्ते के लिए निकाल दी जाती हो, जानवरों को नहीं निकाली जाती हो, तो उस सनातन संस्कृति को अगर मजबूत करेंगे तो दुनिया मजबूत होगी। और वैदिक संस्कृति अगर मजबूत होगी तो आप ये जान लिए कि अगर वैदिक संस्कृति होती, हम गुरुकुल में पढ़ रहे होते या हम गुरुकुलों में यज्ञ कर रहे होते तो इस महामारी से हम बच जाते। हमारे ऋषि मुनियों की बात हम मानते तो हम तमाम घरेलू उपायों से भी बड़ी से बड़ी महामारी से बच सकते थे, लेकिन हमने अपनी संस्कृति को छोड़ करके पाश्चात्य संस्कृति की तरफ भागना शुरू कर दिया। इसलिए अंग्रेजी में पढ़ने वाला विद्वान, अंग्रेजी बोलने वाला विद्वान, संस्कृत बोलने वाला पिछड़ा, हिंदी बोलने वाला पिछड़ा, ऐसी भावना लोगों के अंदर विकसित होती चली गई, और इन लोगों ने बड़े षड्यंत्रकारी तरीके से विकसित किया। इसलिए अब इनका षड्यंत्र सबको समझ में आ चुका है, इनका षड्यंत्र खुल चुका है, इनका षड्यंत्र फेल हो चुका है। इसलिए इस युग में जब रावण था, राक्षसी राज था, तो भगवान श्री राम का उदय हुआ था। भगवान श्री राम ने राक्षस राज रावण को मार करके धर्म की स्थापना की जी। आज क्या है, आज राक्षसी ताकतें हैं जो हिंदुस्तान को हर चीज़ में हराना चाहती हैं। कोई संकट आ गया वो लग जाएंगे कि उसको किस तरह से ये बर्बाद हो जाए। यहाँ तक कि छोटा से छोटा अगर हिंदुस्तान का कोई लाभ होने वाला है, कोई हिंदुस्तान में कोई नई कंपनी खुल रही है, कुछ भी, तो विरोध करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान किसी तरह से विकसित न होने पाए। इनका अपनी फिलॉसफी है, गरीब दलित, गरीब दलित, और ये कभी दलित के लिए हॉस्पिटल नहीं खोलेंगे, ये गरीब के घर में नहीं जाएंगे, ये गरीब के बच्चों को गोद लेकर के पढ़ा नहीं सकते। तो इन राक्षसी ताकतों को रोकने के लिए ही राम पंथ का उदय हुआ है, और ये राम पंथ ही जितने भी दुनिया भर में फैले हुए हैं ये इनका जवाब भी देंगे और राम पंथ की स्थापना करेंगे। भगवान श्री राम के रामराज की पुनर्स्थापना करने का उचित समय आ चुका है, और रामराज की स्थापना तभी होगी जब हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र होगा और यहाँ पर वैदिक संस्कृति पूरी तरह से लागू हो जाएगी। सर, हिंदू राष्ट्र बनने का सबसे बड़ा विरोध मुस्लिम कर रहा है, क्या उनको ऐसा लग रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मुसलमानों का हिंदुस्तान में कोई वजूद नहीं होगा, कोई स्थान नहीं होगा, उनको भगा दिया जाएगा, या अन्य जो धर्म के लोग हैं उनको भगा दिया जाएगा? जो इस्लामिक मुल्क है अभी पाकिस्तान, वहाँ हिंदू नहीं रह रहे, जो ईसाई मुल्क है वहाँ हिंदू नहीं रह रहे, जो सऊदी अरब है वहाँ पर हिंदू नौकरी नहीं करते हैं। ये तो कोई भी देश, आज पूरे दुनिया में अगर कोई आदमी फ्रांस का हिंदू है, इंग्लैंड का हिंदू है, अमेरिका का हिंदू है, कल उसके पर संकट आएगा तो किसकी तरफ देखेगा, कहाँ जाएगा, वो किससे मदद मांगेगा? मुसलमान के साथ दिक्कत आएगी तो 50 मुस्लिम देश खड़े हैं उसको मदद करने के लिए। तो ये तो गलतफहमी, हमने पहले ही कह दिया कि अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो मुसलमानों को तो छोड़ दीजिए, ईसाइयों को छोड़ दीजिए, ये पशु पक्षियों के संरक्षण का सबसे बड़ा केंद्र बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हिंदू राष्ट्र
हिंदू धर्म, सनातन धर्म यह सृष्टि से संबंध की वकालत करता है। पेड़ की भी पूजा होती है, नदी की भी पूजा होती है, पशुओं की भी पूजा होती है। आप बता दीजिए कौन ऐसा पशु है जो किसी न किसी हमारे भगवान का वाहन नहीं है। यहाँ तक कि कुत्ता जिसको लोग कहते हैं वो भैरव जी का वाहन है, बैल जिसको कहते हैं भगवान शिव का नंदी कहा जाता है उसको, मोर जिसको कहते हैं वो भी वाहन है हमारे कार्तिकेय जी का, चूहा तक की गणेश जी का है, तो हम किसको मारेंगे? हमारे भगवान तो, हमारी देवियां तो पेड़ों में बसती हैं। लोग आज से पहले कहते थे कि पीपल मत काटो, आज सनातन धर्म ये कहता है कि पीपल की पूजा करो। क्यों कहता था? इसलिए कहता था कि ऑक्सीजन की कमी नहीं होने पाए। आज लोगों ने पीपल काट दिया, आज क्या हो रहा है, आज ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोग तड़प तड़प के भाग रहे चारों तरफ। ये सनातन संस्कृति को अगर ये जाने होते और सनातन संस्कृति को समझे होते तो ऑक्सीजन के लिए भाग नहीं हो रहे थे। आज ऑक्सीजन लोगों को इतना पर्याप्त मात्रा में मिलता था गांव में कि जिसकी कोई तुलना नहीं होती थी। करोड़ों रुपया का ऑक्सीजन देने वाला पीपल काट दिया गया और आज एक एक घंटा के लिए 3-3 हज़ार रुपये का ऑक्सीजन जो सिलेंडर है उसके लिए तड़प रहे हैं। तो हमारे हिंदू संस्कृति में जीने का तरीका बताया गया, कैसे हम जी सकते हैं हर एक चीज़ को। जी और जीनो दे, जीनो दो का सिद्धांत है हमारे यहाँ। किसी चीज़ को यानी कि भाई इसको काट दो, इसको ख़त्म कर दो, इसको मार दो, इसको इससे भगवान खुश हो, कोई भगवान नहीं खुश होने। यहाँ तक कि हम नीम का पेड़ पूछते हैं, शीतला माता का वास कहा जाता है, क्यों पूछते हैं नीम का पेड़? हल्दी को क्यों पूछते हैं, हल्दी को शुभ क्यों मानते हैं? इसलिए कि एंटीबायोटिक इसमें उपलब्ध है। नीम का दतवन करने वाले का आप देख लीजिए, पहले लोग करते थे, शरीर स्वस्थ रहता था उनका, तमाम तरह के जो अंदर बैक्टीरिया वो मर जाते थे। बहुत सारी साइंटिफिक चीज़ों पर आधारित था, लेकिन उसको धर्म से इसलिए जोड़ दिया गया कि जो सामान्य हिंदू जनमानस है, सामान्य सनातन जनमानस है, वो इसको आसानी से समझ ले। इसीलिए हमारे घर की दादी, मामी, चाची, मौसी ये साइंस को नहीं जानते हुए भी सारा काम वो साइंटिफिक ढंग से करती थी। चूल्हा में खाना बनता था, लकड़ी पर खाना बनता था, डेक्चे में खाना बनता था, आज कुकर में खाना बनता है। आप जरा किसी वैज्ञानिक से पूछ लीजिए जो कुकर का चावल होता है वो कितना आपके लिए फ़ायदेमंद है और वो जो चावल बनता था वो आपके लिए कितना फ़ायदेमंद था। नमक हम इस्तेमाल करते थे तो ढोके वाला नमक इस्तेमाल करते थे, आज हम पिसा हुआ नमक इस्तेमाल करते हैं, ये कितना जहर हो चुका है हमारे शरीर के लिए। तो हम पहले स्वस्थ थे, हमारी उम्र 150 साल थी, आज हमारी उम्र घट के 60 से 70 साल हो गई है, 65 साल हो गई है। तो ये सनातन संस्कृति की ताकत है। अगर ये हिंदू राष्ट्र बनता है, वैदिक संस्कृति फॉलो की जाती है, तो हमें क्या, केवल हिंदुओं को नहीं, मुसलमान हो, ईसाई हो, सभी को इसका लाभ मिलने वाला है और सभी सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि वैदिक संस्कृति में तो सर्वे भवन्ति सुखिनः, सबके सुख की बात की गई है, सर्वे भवन्ति निरामय, सबके दुख हरने की बात कही, सब निरोगी हो जाए, सबके लिए प्रार्थना की जाती है। तो हिंदू राष्ट्र बनना अनिवार्य शर्त है पूरे विश्व को बचाने के लिए, और आज अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो पूरा विश्व संकट में होगा। इसलिए विश्व के सभी नेताओं से अपील है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में मदद करें। तो फिर विरोध किस बात का हो रहा है? मुस्लिम का एक बड़ा तबका और हिंदुओं का भी एक तबका है जो कि लगातार विरोध करते आ रहा है, हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देना चाहता है, ऐसा क्यों? हिंदुओं का बड़ा तबका नहीं है, जो सो कॉल्ड सेकुलर गुंडे हैं वो विरोध कर रहे हैं। सेकुलर गुंडे इसलिए उनको उपाधि दी जा रही है कि अगर आप उनके खिलाफ बात करेंगे तो आपको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं, वो बम धमाका करेंगे, वो मारपीट शुरू कर देंगे, वो आपको अपमानित करेंगे, फेसबुक पर गालियां लिखेंगे आपके खिलाफ, आप नौकरी में तो नौकरी से बर्खास्त करा देंगे। वो पूरी तरह से मानसिक गुंडे हैं। तो उन्होंने तो बिके हुए, चाइना कहाँ चाहता है कि हिंदू राष्ट्र बन जाए, चाइना कहाँ चाहता है कि हिंदुस्तान आगे बढ़ जाए, पाकिस्तान कहाँ चाहता है कि हिंदुस्तान आगे बढ़ जाए, दुनिया के और मुल्क कहाँ चाहते हैं कि हिंदुस्तान आगे बढ़ जाए। तो ऐसे में ये खरीदे हुए दर गुलाम हैं उनके। तो गुलामी में क्या करता है आदमी, कल तक अंग्रेजों की चाटुकारिता की गुलामी की, कभी कोई भी आदमी यहाँ पर जीत नहीं सकता था, यहाँ के बहादुर उनका छक्का छुड़ा देते, लेकिन हम हारे भारत के गद्दारों से। तो आज भी भारत के गद्दार सक्रिय हैं, वो चाहे हिंदू राष्ट्र बनाना हो, चाहे वो किसी तरह की नियम का NRC लाना था, NRC में क्या विरोध था उनका, CM में उनका कौन सा विरोध था, धारा 370 में क्या विरोध था। इससे भारत की ताकत मजबूत होती, भारत मजबूत होता, तो किसी भी कीमत पर भारत को मजबूत नहीं करने देना चाहते हैं। तो जो भारत के कमजोरी चाहते हैं, भारत को बर्बाद करने चाहता है, नारा लगाया भाई, JNU में नारा लगा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत तेरी बर्बादी तक जंग रहेगी, ये नारा लगा वहाँ पर। इस तरह के नारे लग रहे हैं हमारे देश। हम कहते हैं अभ्यक्त की आज़ादी है, काहे की अभ्यक्त की आज़ादी, फ्रांस में कोई कार्टून बना दिया पैगंबर का, वहाँ जाके उसकी गर्दन काट दी, उनकी अभ्यक्त की आज़ादी नहीं थी? तो ये हमारे सहिष्णुता का ये गलत फ़ायदा उठाए, हम सहिष्णु हैं इसलिए ये इस तरह से अत्याचार कर रहे हैं। तो आज पूरी दुनिया में
चाहे जितने भी जो भी धर्म मतावलंबी होंगे, जितना हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है, जितना हिंदुओं ने अत्याचार सहे उतना किसी धर्म के मतावलंबियों ने अत्याचार नहीं सहे। किसी ने उतने हमले नहीं झेले। हमने 1000 साल तक हमला झेला है, हमला झेला, धर्मांतरण झेला, औरतों के साथ अत्याचार झेला, दुराचार झेला। हमने अपने आँख के सामने देखा, कत्ल देखा। तैमूर से लेकर नादिर साहब तक क्या किया? धर्म के नाम पर कत्ल किया, जिहाद का नारा दिया, दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाएंगे, कत्ल का ये नारा देकर के कत्ल किया दिल्ली में जेकल के। और खुद इसको हम नहीं कह रहे, इसको तो कोर्ट किया। और जिस तैमूर को सऊदी अरबिया नहीं मानता, वहाँ पर तैमूर को वहाँ पर नारकी कुत्ता कहा गया है तैमूर को। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे फिल्म स्टार हैं जो अपने बेटे का नाम तैमूर रखते हैं। आप पढ़ लीजिए उठा के, हबीब अहमद निजामी साहब की किताब में यह स्पष्ट लिखा गया कि तैमूर को क्या कहा जाता है, क्योंकि तैमूर ने वहाँ भी हमला किया था। वहाँ के लोग नहीं भूले, हम हमले को भूलते चले गए और हमले को भूल करके हमलावरों को अपना आदर्श बना लिए। कई हमलावर आए, मर गए, हमने उनकी मजार बना दी। कहें कि मजार भाई, तुम हमला किए आए थे जो देश का दुश्मन, देश का दुश्मन है, देश के दुश्मनों को हम अपने सीने से थोड़ी लगा सकते हैं। तो इसलिए देश बर्बाद होते चला गया और देश की सीमाओं को काटने में यहाँ के गद्दारों का बहुत बड़ा रोल है। हम बाहरियों से कम हारे, अपने देश के गद्दारों से हम ज़्यादा हारे। इसलिए अब जो सेकुलर गुंडे हैं उनको और जो देश के गद्दार हैं उन पर ध्यान रखने और निगाह रखने की ज़रूरत है, नहीं तो धीरे धीरे ये हिंदू धर्म तो सिमट ही रहा है, ये हिंदुस्तान भी सिमटते चला जाएगा। हम कहाँ थे, कहाँ गए? अफगानिस्तान खोया, बांग्लादेश खोया, पाकिस्तान खोया और तमाम इलाकों को खोए, धीरे धीरे सिमट के यहाँ चले। अभी भी चाइना ने कुछ ज़मीनें कब्जा की, पाकिस्तान जैसा छोटा मुल्क जिसकी कोई औकात नहीं, उसने हमारी ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है। ये हमारी हुकूमत थी यहाँ की, बस तुम अपने फ़ायदे के लिए सोचो, लोग कुछ बोलो ये ले लो फ्री में, ये गैस ले लो इसे, ताकि देश की तरफ तुम्हारी निगाह न रहे। इसलिए अभी तक देश के हुक्मरान उनकी वकालत करते थे, देश के हुक्मरान हिंदू धर्म के खिलाफ बात करते थे, हिंदू धर्म को विनाश के लिए, हिंदू धर्म के ख़त्म करने के लिए ये सारा प्रोपोगंडा रचा गया था। लेकिन अब लोग जागरूक हो गए, इसलिए चाहे यूपी का इलेक्शन हो चाहे कहीं का भी, जब स्टेट का इलेक्शन आएगा, जब नेशनल इलेक्शन आएगा, तो अपने मतानुसार जो अब हिंदू भी ये देखने लगा है कि जिस तरह से वो एकजुट हो जा रहे हैं कि भाई नहीं हमको जिहाद करना है, तो हिंदुओं को भी लगने लगा कि नहीं अब हमको किसी भी तरह से अपने धर्म की रक्षा करनी, हम तो अपने ही धर्म बचा रहे हैं ना, हम तो अपने ही लोगों को बचा रहे हैं, भैया इनका धर्मांतरण हो जाए। और ये धर्मांतरण नहीं कराते, ये राष्ट्रांतरण कराते हैं। धर्मांतरण कराने के बाद वही व्यक्ति जो हिंदुस्तान की वकालत कल तक करता तो हिंदुस्तान के खिलाफ हो जाता है। तो हिंदुस्तान के खिलाफ पहले करो, भगवान के खिलाफ करो, देवी देवताओं के खिलाफ करो, मंदिरों के खिलाफ करो, ब्राह्मणों के खिलाफ करो, सनातन संस्कृति के खिलाफ करो, वेद के खिलाफ करो, और फिर उस देश से उसको तोड़ दो और देश में, अपने ही देश में एक ठो गद्दार पैदा कर दो। ऐसा ही जिहाद चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में। इसलिए इन जिहादियों से बचने, इनको समझने और संभलने की ज़रूरत है। इसलिए हम सभी सरकारों से ये निवेदन करते हैं, जिहादी ताकतें जितनी मजबूत होंगी इंसानियत पर उतना बड़ा खतरा मंडराएगा। आज झेल रहे हैं लोग कोरोना और कोविड से, यह भी एक तरह का जिहाद है। जिस तरह से जैविक हथियार से हमला किया गया पूरी दुनिया के ऊपर, उसी तरह से वो भी जिहाद है कि आएंगे गला काट देंगे आपको, आपने उनके मन की बात नहीं की, उन्होंने चाकू मार दिया, उन्होंने गर्दन उड़ा दी, उन्होंने लड़कियों के साथ दुराचार कर दिया। ये कौन सा धर्म है भाई, कौन धर्म सिखाता है ऐसा? किस धर्म में लिखा गया कि तुम लड़कियों के साथ दुराचार करो? अगर वो सही ढंग से इस्लाम को भी जानते हो तो इस्लाम में भी लिखा गया औरतों और बच्चों को युद्ध के मैदान में भी बख्शने की हिदायत दी गई है, क्यों नहीं मान रहे हो बात उनकी? तो इस तरह से जो हरकतें हो रही हैं, चाहे वो कोई भी किसी भी धर्म को फॉलो करने वाले लोग हों, अगर इस तरह से हिंदुस्तान के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, भारत के खिलाफ, भारत की बर्बादी के लिए चलाई जा रही, तो बहुत घातक है और इसको संभलने, सोचने और समझने की ज़रूरत है। सर क्या लगता है कि हिंदू राष्ट्र नरेंद्र मोदी सरकार रहते बन जाएगा या फिर नरेंद्र मोदी को एक बार और सरकार में आना पड़ेगा? देखिए, नरेंद्र मोदी के रहते बनेगा कि नहीं बनेगा ये तो भविष्य तय करेगा, लेकिन हिंदुस्तान के हिंदू सनातन धर्मी अब ये मानने लगे हैं कि उनको हिंदू राष्ट्र, इसकी घोषणा, हिंदू राष्ट्र तो है ही, इसकी घोषणा हो जानी चाहिए ताकि दुनिया भर में कहें हाँ भैया ये कहाँ से आए, हिंदुस्तान। आज भी लोग कहते हैं हिंदुस्तान से आए, आज भी लोग कहते हैं जब कोई यहाँ से अरब जाता है हज करने के लिए, लोग कहते हैं हिंदी मुसलमान है। आज भी भाई लोग, इकबाल ने क्यों लिखा उसको, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उनको क्यों कहना पड़ा हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हिंदी, और उसको हम हिंदू कहते हैं जो हिंदुस्तान में रहने वाला, हिंदू संस्कृति, हम हिंदू क्या है, हिंदू संस्कृति है जो हिंदुस्तान के बाउंड्री में रहता है। फ्रांस में कोई रहेगा क्या कहा जाएगा, फ्रांसीसी कहा जाएगा, अमेरिका में रहेगा कोई क्या कहा जाएगा, अमेरिकन कहा जाएगा, इंग्लैंड में कोई रहेगा उसको ब्रिटिशर्स कहेंगे,
कोई आदमी अगर इसराइल में रहेगा यहूदी कहा जाएगा, भैया जहाँ जो रहेगा वही कहा जाएगा। तो हिंदुस्तान की पहचान हिंदू से, तो जो भी यहाँ रहेगा हिंदू कहलाएगा, क्योंकि संस्कृति तो यहाँ की हिंदू संस्कृति है। हाँ, वो पंथ मत अलग अलग हो सकते हैं, कोई इस्लाम को मानने वाला है, कोई सनातन धर्म को मानने वाला है। धर्म हमारा सनातन है, लेकिन संस्कृति हमारी हिंदू है। तो हिंदू संस्कृति में तो सभी लोग रहने वाले जीने वाले लोग हैं।